तरह से ये पूरा, ये देखिए, बर्खास्तगी के बाद जेल में आरोपी एसआई की ये तस्वीर इस वक्त हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसी रौब के साथ आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि सब कुछ कहती है, वहां पर इत्मीनान से बैठे हुए आप इस आरोपी एसआई को यहाँ पर देख सकते हैं। आरोपी ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा, किस तरह से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया था 2 अगस्त की वो रात, और किस तरह वो जो एक महिला जो 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 पैसेंजर थी उसमें, उसके साथ किस तरह से बदसलूकी की जाती है, वो पूरा मामला हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको उस आरोपी एसआई की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो 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 इस मामले में पूरा चश्मदीद था, जिसने जिसने ये पूरा जो वीडियो है वो दरअसल वायरल किया, वो बहुत कुछ और भी बताता हुआ नजर आता है इस आरोपी एसआई के बारे में कि किस तरह से डरा धमका कर वो उसकी गाड़ी में, चूंकि उसका वो दोस्त था तो इसलिए उसकी गाड़ी में वो किस तरह से घूमता था, पैसा नहीं देता था, वसूली का काम करता था, और भी कई ऐसे आरोप हैं जो इस मामले में निकलकर सामने अमित मिश्रा के खिलाफ आए हैं। ये नोएडा का पूरा कैब लूट कांड है, ये नोएडा का कैब लूट कांड है। क्या कुछ एक्शन इस मामले में अब तक हुआ है, आइए फटाफट से हम आपको बता देते हैं कि नोएडा कैब लूट कांड का ये मामला, जिसमें डीसीपी सेंट्रल की बात करें तो उन्हें इस मामले में पद से हटा दिया जाता है। इसके बाद चौकी प्रभारी जो है उनको भी निलंबित कर दिया जाता है, एक के बाद एक। किस तरह से यहाँ ये जो पूरा एक्शन है वो लिया जा रहा है या गया है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। 2 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आता है, और उसके बाद लखनऊ से ये ऑर्डर आता है, और लखनऊ के ऑर्डर के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो यहाँ नजर आते हैं। आरोपी ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा निलंबन के बाद जेल भेज दिया जाता है। आरोपी आशीष अवस्थी की बात करें तो वो फरार है, उसकी तलाश तेज है, उसके लिए दबिश दी जा रही है जगह जगह पर। आरोपी अभिनव की बात करें तो वो भी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है, उसके लिए भी दबिश दी जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, और ये देखिए ये डीसीपी सुनीति सिंह हैं जिन्हें पद से हटाया गया है, क्योंकि लुटेरे एसआई को बचाना इन्होंने बचाया तो वो बचाना इन्हें महंगा पड़ गया। किस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश पहले की जाती है, मामला सामने आने नहीं दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब मामला सामने आता है, लखनऊ से ऑर्डर आता है, उसके बाद डीसीपी सुनीति सिंह को हटा दिया जाता है, महंगा पड़ जाता है उनको आरोपी एसआई को, एसआई अमित मिश्रा को बचाना, और इसीलिए ये जो एक्शन है वो लिया जाता है डीसीपी सुनीति सिंह पर। अब देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं थाना प्रभारी अरविंद कुमार, अरविंद कुमार को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बिसरक थाना प्रभारी हैं, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, बिसरक थाना प्रभारी पहले थे, अब उनको हटा दिया गया है। किस तरह से इनको उस लुटेरे एसआई को बचाना महंगा पड़ा है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस पर वो एक्शन किया गया, मतलब ये प्रभारी थे पहले, फिर उसके बाद इनको हटा दिया गया है। तो ये एक के बाद एक जो एक्शंस हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि क्या एक्शन उन पर लिया गया है। और आइए अब आपको और यहाँ पर जानकारी हम देते हैं कि दरअसल किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो 2 अगस्त की रात को पेश आता है, वो किस तरह से 2 अगस्त की रात को पेश आता है। पहले हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो दो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले जतिन का यहाँ पर रुख करूँगी। जतिन, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो एक्शन है वो यहाँ लिए गए हैं, मतलब योगी जी ने जो कसम खाई है कि छोड़ूंगा नहीं, फिर वो चाहे अपराधी हो, माफिया हो, या फिर खाकीधारी ही क्यों ना हो। आज बिल्कुल सही कहा आपने, अपराध जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और योगी राज में ऐसी तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन नोएडा की ये तस्वीर इस लिहाज से भी हैरान कर देने वाली है कि सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जो कि आम जनता की सुरक्षा के लिए हैं, वो किस तरीके से उगाही कर रहे हैं, और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर जो कि वर्दी में मौजूद था रात को एक ड्राइवर को रोक लेता है, और वो तब रोकता है जब उसके साथ एक महिला पैसेंजर भी थी। आप देखेंगे कि जो एफआईआर दर्ज की थी इनिशियल, उसमें उस महिला के साथ बदसलूकी का जो जिक्र है वो
नहीं किया गया था और यही कारण है कि जो तमाम डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि प्रशासन द्वारा ये बोला गया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों तक इस मामले में जानकारी नहीं दी, क्योंकि वाकया जिस तरीके से आप भी बता रही है कि 2 तारीख का था, 3 तारीख को सुबह पुलिस को शिकायत की गई। कैसे एसएचओ जो थे बिस्रक के, वो इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, डीसीपी रैंक तक के अधिकारी को इस मामले में जानकारी दी, कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने निर्देश दिया कि एसीपी रैंक को इस पूरी इंक्वायरी का जिम्मा दिया, तब जाके पता लगा कि सिर्फ एक बिस्रक ही नहीं बल्कि गौर सिटी 2 के जो पुलिसकर्मी है वो भी इसमें शामिल थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लीपा पोती करके कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश थी। पैसा तक देने की बात उस टैक्सी ड्राइवर को कर दी गई थी, तो इसको देखते हुए कार्रवाई बिल्कुल की गई है और एक सख्त मैसेज देने की कोशिश कि आप अगर किसी के साथ भी अभद्रता करेंगे, उनके साथ उगाही जैसी चीजों को अंजाम देंगे तो पुलिस वाला क्यों ना उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये साफ संदेश यहाँ पर दे दिया गया है। जतिन आप बने रहिए, कोमल मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बता देती हूँ कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला। वर्दी वाला गुंडा क्या हुआ था नोएडा में, नोएडा में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जानना जरूरी है। ये 2 अगस्त 2024 की रात का ये पूरा मामला है। आरोपी ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा ने शराब पी हुई थी। आरोपी एसआई अमित मिश्रा के साथ उसके 2 और साथी भी थे, आरोपी आशीष जो फरार चल रहा है, आरोपी अभिनव जो फरार चल रहा है। ये दोनों साथी उसके साथ थे और इन दोनों ने भी शराब पी हुई थी। शराब के नशे में कैब ड्राइवर से 7,000 रुपए भी लूटे गए। पीड़ित कैब ड्राइवर से आरोपी एसआई ने उसे डराया धमकाया। वारदात के वक्त कैब में एक महिला सवारी भी बैठी हुई थी। आरोपी एसआई अमित मिश्रा और उसके साथियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप क्या कि कैब में सवार महिला को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया गया। आरोपी एसआई अमित मिश्रा ने कैब में सवार महिला को कॉल गर्ल कहा। आरोपी एसआई अमित मिश्रा ने कैब में सवार महिला से बदसलूकी की। पीड़ित कैब ड्राइवर ने मामले की शिकायत की। कैब ड्राइवर पर समझौते का प्रेशर भी डाला गया कि मामले को रफा दफा करो, कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं। चौकी इंचार्ज ने ट्रेनी एसआई अमित मिश्रा को बुलाया, पीड़ित के सामने शिनाख्त भी करवाई गई, लेकिन नोएडा पुलिस ने एसआई पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही कैब ड्राइवर को उल्टा डरा दिया, धमका दिया और वहां से उसके बाद भगा दिया। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो पेश आता है। लेकिन हमारी सहयोगी कोमल वहां जाती हैं और वहां पर वो क्या देखती हैं, क्या उन्होंने जांचा परखा, वो हम आपको उनकी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लख ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो पंचशील दिल्ली के पंचशील विहार से एक महिला को अपने कैब में बैठा करके ला रहा था। हालांकि जैसे ही वो गौर सिटी 1 पर पहुंचता है, उस दौरान एसआई जो ट्रेनी एसआई है जिसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के, पहले तो कैब चालक के साथ वो बदतमीजी करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ वो कैब चालक और महिला को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और गाड़ी में बैठाने के बाद उसे कहीं सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में ले जाने के बाद उससे 7,000 रुपए की लूट करता है। अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें और जब पुलिस से हम लगातार इस मामले को लेकर के सवाल कर रहे हैं तो पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है। महिला को लेकर के जब हमने सवाल किया तो फिलहाल इस महिला को लेकर के कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। तो हमारी सहयोगी कोमल की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन कोमल, जो 2 उसके और साथी थे एसआई के, वो अभी फरार हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनकी तलाशी के लिए, दबिश के लिए? बिल्कुल हिमानी, देखिए इनके 2 साथी तो अभी भी फरार है, लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो शुरुआत में देखिए किस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही ये मामला उच्च अधिकारियों के प्रकाश में आता है फिर इस मामले में संज्ञान लिया जाता है और उच्च अधिकारी जब इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो जितने भी जो छोटे अधिकारी थे उनका तबादला हो जाता है। डीसीपी सेंट्रल की बात करें तो उसे हटा दिया जाता है। ऐसे में देखिए ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है, दिन पर दिन मामला जो है तूल पकड़ता चला जा रहा है कि आखिर
वर्दीधारी था, वर्दी में पुलिस संचालक होता है और उसके बाद वो इस तरह की हरकत करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ सिर्फ महिला और कैब ड्राइवर दोनों को एक सुनसान इलाके में ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा करके लेके जाता है। लेकिन जो थाने के लोग होते हैं शुरुआती जाँच में, वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, लगातार कैब ड्राइवर पर भी ये प्रेशर बनाते हैं कि वो मामले को वापस ले लें। जब कैब ड्राइवर से भी हमने बात की तो कैब ड्राइवर ने भी हमें साफ तौर पर बताया कि उसने काफ़ी हिम्मत जुटाई, हिम्मत जुटा करके वो पुलिस स्टेशन गया जहाँ पे उसने ये पूरा मामला जो है शिकायत दर्ज कराई। जी।